हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइज, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइज, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना, तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, इससे लकी बंदा शायद ही आपने अपनी जिंदगी में कहीं देखा हो। सेल्फी लेने का शौक सबको होता है, तो ये बंदा भी अपने प्लेन में बैठ के उड़ान भरने से पहले सेल्फी ले रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मंजर हैरान कर देने वाला था। देखिए गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये बंदा बहुत किस्मत वाला है, या इससे भी किस्मत वाला बंदा आपने कहीं देखा है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। वो बचपन से एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा, और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा, और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोज ओस्टालेविस्की। गाइज, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। चलिए मैं आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूं, जिसे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है 4 × 9 = 46। किसी तीसरी के बच्चे को भी पता कि ये गलत है। अब आपको क्या करना है, आपको मात्र 2 माचिस की तिल्लियों को मूव करना है और एक करेक्ट मैथ इक्वेशन बना के दिखाना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलेगा, इसमें आपको जवाब देता हूं। 2 माचिस की तिल्लियों को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, देखिए, और फाइनली ये करेक्ट हो गया। दैट इज 5 × 9 = 45। ये मैथ्स का पजल आपको कैसा लगा, और आप किसको इंप्रेस करोगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। चलेगा, इस आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस, खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधा नाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी, और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। गाइस, फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगों में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, क्या वो बता सकते हैं? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगों में एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। एक्चुअली इसके अंदर है एक लाल पांडा, जिसे इंग्लिश में फायरफॉक्स कहा जाता है, और इसी के नाम पर ही इस ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स रखा गया है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था, और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह में फंसे हो, वहां से बाहर निकलने के मात्र 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे 2 गार्ड खड़े हैं, पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिएगा, इसमें आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है, तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे, और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा।
कोरोना की वजह से यूएस में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शायद इसी वजह से वहां की एक संसद में शांति पाठ करवाया गया और ये शांति पाठ वहां के एक भारतीय पंडित राजगोपाल थुपल ने किया। ये देखिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 ही। और इसके बाद सभी संसद सदस्यों ने राजगोपाल थुपल और उनकी पत्नी के लिए तालियां भी बजाई। कितनी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पश्चिमी देश अपना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे भूलते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा, और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो मैं जरूर अंतरिक्ष की सैर करना चाहूंगा, क्या आप लोग सैर करना चाहेंगे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये घटना है सन 2005 की, जब एक एरोप्लेन न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान के थोड़ी देर बाद ही पायलट को समझ में आ जाता है कि इसका जो फ्रंट व्हील है खराब हो चुका है। अब पायलट प्लेन को लैंड कराने का फैसला करता है, लेकिन लैंड करवाने से पहले वो प्लेन को लगातार 2 घंटे तक आसमान में ही चक्कर कटवाता है ताकि फ्यूल खत्म हो जाए और लैंडिंग के वक्त उसमें आग ना लगे। और उसके बाद अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो ये कोशिश करता है कि आगे का व्हील जमीन को ना छुए, जिससे आग लगने की संभावना कम से कम हो। और ऐसा करते हुए वो 140 यात्रियों की जान बचाते हुए प्लेन को लैंड करवा देता है। तो पायलट की सूझबूझ के लिए और 140 यात्रियों की जान बचाने के लिए एक लाइक तो बनता है।